हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द स्पोर्ट्स। आज हम लोग प्रीव्यू करने वाले हैं सेविला वर्सेस एसी रोमा के बीच खेले जाने वाला यूरोपा लीग फाइनल के ऊपर। अगर आप साथ पर नए हो प्लीज़ यूर लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो यार फाइनली यूरोपा लीग का हमें फाइनल का मैच देखने को मिल रहा है। आफ्टर लॉट ऑफ शिफ्ट्स एंड चेंजेस, आफ्टर लॉट्स ऑफ विन्स एंड लॉसेज, वी आर फाइनली द टू विनर्स आर गोना प्ले द फाइनल ऑफ यूरोपा लीग। और कहीं ना कहीं सेविला जो कि काफ़ी अंडरडॉग टीम रही है इस ओवरऑल लाली का सीजन के अंदर, काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंसेज थी उनकी बिफोर द वर्ल्ड कप, आफ्टर द वर्ल्ड कप अच्छा कम बैक किया यूसुफ अल नसीरी ने, काफ़ी अच्छा काम किया। यहाँ पर टॉप स्कोरर रहे इस बार, अराउंड 14 to 15 गोल्स उन्होंने उस सेकेंड फेज में ही मारे आफ्टर द वर्ल्ड कप वाले। और कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी इन्होंने फुटबॉल खेली आफ्टर द वर्ल्ड कप, नहीं तो वर्ल्ड कप के पहले ये इतना लैक कर रहे थे दैट दे वर नियर एलिगेशन। सेविला एक नियर एलिगेशन बैटल से वहाँ पर जीत कर ऊपर आई। यहाँ पर अच्छी उन्होंने फुटबॉल खेली, काफ़ी अच्छे अच्छे मैचेस उन्होंने जीते और कहीं ना कहीं यूरोपा लीग के अंदर इनका डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा रहा है। सेविला के लिए सबसे अच्छी बात मेरे को यहाँ पर ये लगती है कि उनके पास इन फॉर्म कंसिस्टेंट प्लेयर्स है। इन फॉर्म कंसिस्टेंट प्लेयर्स के आने मतलब है कि जैसे यूसुफ अल नसीरी है और भी उनके बड़े सारे प्लेयर्स हैं, वो करेंटली इन फॉर्म चल रहे हैं, दे आर बीइंग कंसिस्टेंटली डूइंग गुड फॉर देयर टीम। बट कहीं ना कहीं एक चीज़ जो इनके लिए थोड़ा सा बैकलॉग बन जाती है वो बनती है कि इनका अभी आने वाला अगला फिक्स्चर, सेविला इज गोना प्ले रियल मैड्रिड टुडे, यानी कि जिसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड दे आर गोना प्ले अ गेम अगेंस्ट टॉप थ्री वाली टीम के साथ उन्होंने मैच खेलने वाले हैं। और कहीं ना कहीं बिफोर द यूरोपा लीग फाइनल इनके लिए यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा ज़रूरी था कि ये थोड़ा सा विनिंग मोमेंटम में आए, बिकॉज दे हैवंट वन देयर लास्ट यूरोपा लीग गेम, एक्चुअली ड्रॉ इट। और कहना कि इनके लिए काफ़ी अच्छी बात मेरे को ये लगता है यहाँ पर ये भी है कि जोसे मुरीनियो के साथ में इनका मैच है, ऑल्सो द स्टाइल ऑफ प्ले दैट सेविल हैज़ बीन प्लेइंग हैज़ बीन रिसेंटली गुड आफ्टर द वर्ल्ड कप। बट यहाँ पर एक कहना कि डिसएडवांटेज इनके लिए रहेगा, दे आर गोना प्ले रियल मैड्रिड, वेदर दे गोना यूज देयर एंटायर स्ट्रेंथ, दे आर गोना डू वॉट एवर, बट लेकिन कहीं ना कहीं इनके पास अब वो विनिंग मोमेंटम नहीं रहने वाला बिफोर द यूरोपा लीग फाइनल। बट कहना कि एसी रोमा जो है उसके पास कहना कि वो विनिंग मोमेंटम रहने वाला है, बिकॉज दे आर वांट टू प्ले फॉर फ्लोरेंटिना। फ्लोरेंटिना को उन्होंने पहली बार आया हुआ है, फ्लोरेंटिना एक कॉन्फ्रेंस लीग टीम है जो उसने अभी अपना मैच खेला है, फाइनल्स उनका भी है अगेंस्ट वेस्ट हैम। तो कहना कि अगर आप बात देखो तो विनिंग मोमेंटम के साथ उतरेगी एस रोमा, बिकॉज फ्लोरेंटिना इज वेरी वेरी वीक टीम, दे आर प्लेइंग कॉन्फ्रेंस लीग, दे आर प्लेइंग डिसेंट फुटबॉल। और कहना कि अगर आप रियल मैड्रिड और फ्लोरेंटिना में अगर आप कंपेरिजन करो तो कहीं ना कहीं फ्लोरेंटिना एक कंपेरेटिवली छोटी टीम है, मेरे को लगता है एक विनिंग मोमेंटम इन्हें नहीं मिल पाएगा। बट लेकिन सेविला हैव कंसिस्टेंट एंड गुड प्लेयर्स, द कीपर हैज़ बीन डूइंग गुड, द मैनेजर हैज़ बीन प्लेइंग डिसेंट अमाउंट ऑफ गुड फुटबॉल। और कहना कि अगर आप देखो इनके ट्रांसफर्स भी उतने ज़्यादा रहे नहीं, इन्होंने ज़्यादा फ्लिप्स एंड चेंजेस किए नहीं। वही एसी रोमा ने जो पॉलो डिबाला को लेकर आए थे उनके बार टॉप के स्कोरर जरूर रहे, लेकिन पिछले 3 से 4 गेम्स के अंदर वो उन्होंने अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाई है। वो कहना कि हमेशा बेंच पर बैठे रहते हैं, वो सबसे रिप्लेसमेंट का नाम आता है, और कुछ ऐसे ऐसे मैचेस भी रहे हैं पिछले 5 मैचेस के लिए जहाँ पे उन्होंने अपन का जो नाम है वो कहना कि सब्सटीट्यूट प्लेयर की लिस्ट में भी नहीं आता। सो टेक्निकली ही इज़ नॉट वेल, या जोसे मुरीनियो उनको ज़्यादा गेम टाइम अभी दे नहीं रहे बिफोर द एपिक कह सकते हो कि आप यूरोपा लीग फाइनल। वो कहना कि देखने वाली बात रहेगी, बट आई फील दैट ही इज़ रेस्टिंग पॉलो डिबाला फॉर गुड परफॉर्मेंस अहेड, बिकॉज आपने भी देखा होगा यूवेंटस के अंदर पॉलो डिबाला थोड़े से इंजरी प्रोन रहते हैं, ही हैज़ सम डिसेंट रिकॉर्ड ऑफ इंजरीज, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक उनको इंजर रहने का रिकॉर्ड रहा है यूवेंटस के अंदर भी। यूवेंटस के अंदर एक ऐसी टीम थी जहाँ पर कैसा पॉलो डिबाला इनके ऊपर डिपेंडेंसी इतना ज़्यादा रहता था, ड्यूरिंग दैट फेजेस ही हैज़ बीन आउट ऑफ प्ले। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है अब जोसे मुरीनियो उनको रेस्ट करा रहे हैं सो दैट ही कैन रिकवर वेल एंड ही कैन परफॉर्म वेरी गुड इन द यूरोपा लीग फाइनल। और अगर आप बात करो इस मैच के ऊपर तो ये मैच खेला जा रहा है एक जर्मन मैदान के ऊपर, दैट्स पुष्कर अरेना। पुष्कर अरेना कहीं ना कहीं हंगेरियन फुटबॉल टीम का होम ग्राउंड है। अगर आप इस मैच का रिकॉर्ड देखो मेरे को लगता है यार उस वो फील्ड है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी रहने वाली है फॉर सेविला। मैं फील्ड इसलिए यहाँ पर कह रहा हूँ बिकॉज जर्मनी के अंदर इस टाइम पर थोड़ा सा ठंड का मौसम रहता है, यूसुफ अल नसीरी और ये सब जितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स रहे हैं इनके पास वो एक्सपीरियंस है उस टाइप ऑफ कंडीशंस में खेलने का। अगर आप बात करो यहाँ पर बारिश हो जाती है या कोई ऐसी सिचुएशन बनता है तो रोमा के पास कहना कि स्लाइटली एडवांटेज रहने वाला है, बिकॉज दे हैव सम मोर काइंड ऑफ फ्लूइड फॉर्मेशंस। अगर आप बात करो कि पिच का ज़्यादा रोल रहता नहीं है, फील्ड का ज़्यादा रोल रहता नहीं है फुटबॉल के अंदर, बट यार कहना कि थोड़ा सा एडवांटेज साइकोलॉजिकल एडवांटेज जरूर मिल जाता है कुछ टीम्स को, बिकॉज ना तो ये एसी रोमा का होम ग्राउंड है ना तो ये यहाँ पर सेविला का होम ग्राउंड है। तो कहना कि कॉमन वेन्यू पे खेलना पुष्कर अरेना काफ़ी अच्छा है ये स्टेडियम काफ़ी बड़ा है, एंड आई वुड लाइक टू सी सेविला डूइंग ग्रेट थिंग्स। वाई? बिकॉज सेविला हैज़ द काइंड ऑफ प्लेयर्स एंड काइंड ऑफ कैपेसिटी कि वो अच्छा करे। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं रोमा हैज़ बीन डूइंग वेरी बैड और रोमा के वजह से खिलाड़ी नहीं, लेकिन आप वो टीम को इमेजिन करो जो लालिगा के अंदर एकदम बॉटल कर रही थी, दे हैड ऑलमोस्ट
फॉर द रेलीगेशन रेस, ऑलमोस्ट फॉर्ड, मतलब इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज देवर 13th एंड 14th बिफोर द वर्ल्ड कप, और कहना कि वहाँ से वो उठकर मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराती है 5-2 से। मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराने के बाद दे गो ऑन टू विन देयर 2-3 गेम्स बैक टू बैक इन अ रो इन यूरोपा लीग, और यूरोपा के ऊपर इनका इतना जो प्रेफरेंस था वो कहना कि अब इनके लिए काम भी कर रहा है। लालीगा के अंदर तो ये काफ़ी ज़्यादा भी बॉटल कर रही है, नंबर 9 पोजीशन पर है ये, लेकिन कहना कि अगर आप बात देखो तो यूरोपा लीग के अंदर रिकॉर्ड इनके काफ़ी अच्छे रहे। एंड ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग फॉर एसी रोमा इज कि एसी रोमा के पास अभी कुछ ज़्यादा विनिंग मोमेंटम है नहीं। विनिंग मोमेंटम फ्लोरेंटिना वाले इनके बाद जरूर आ सकता है, लेकिन इनके पिछले 3-4 गेम्स काफ़ी ख़राब रहे। 2 गेम्स इन्होंने ड्रॉ किए, 1 गेम में हारे और 1 गेम में जीते, इनके लास्ट के 5 मैचेस का रिकॉर्ड रहा है। और अगर आप बात करो यहाँ पर सेविला की, तो सेविला हैव वन देयर लास्ट 3 गेम्स, दे हैड ड्रू 1 एंड दे लॉस्ट 1। तो कहना कि यार सिर्फ अगर आप यहाँ पर देखो कि टर्म्स ऑफ विनिंग मोमेंटम एंड इन टर्म्स ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग इन फेवर ऑफ द बोथ द टीम्स, मेरे को लगता है कहना कि सेविला का सोर्स अपर हैंड है। सेविला का इसलिए भी अब यहाँ पर अपर हैंड है बिकॉज हैव गुड एंड मोर कंसिस्टेंट प्लेयर्स, और कहीं ना कहीं एसी रोमा जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्लेयर डिपेंडेंट टीम है। बिकॉज अगर आप देखो हैव पाउलो डिबाला, दे हैव अ लॉट ऑफ गुड मिडफील्डर्स, उनके सेंटर बैक्स काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है रहते हैं एज यू ऑल नो द जोसे मोरिनो स्टाइल ऑफ प्ले। तो कहना कि अगर आप बात देखो तो ये थोड़ी सी प्लेयर डिपेंडेंट टीम है, यहाँ पर हर एक प्लेयर को उस 11 में से अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ता है। बट कहना कि सेविला के पास अच्छे मिडफील्डर्स, अच्छे डिफेंसिव मिडफील्डर्स होने के बाद एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिल जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा क्रिएटिव स्टाइल ऑफ प्ले होता है सेविला का, एंड सेविला इज ऑल्सो मोर काइंड ऑफ गुड एंड अटैकिंग प्लेयर्स हु हैव परफॉर्म्ड इन इंटरनेशनल लीग स्टेजेस। वहीं पॉलो डिबाला जो है उनको कितने मौके मिले थे आप सब जानते हैं, अर्जेंटीना का जो वर्ल्ड कप वाला ओवरऑल रन था उसके अंदर कितने उनको मौके मिले। तो दैट्स द थिंग। ऑल्सो इसी रूम आई हैव रूई पैट्रिशियो, अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस पोर्टुगीज कीपर, और कीपर की अगर आप बात करो तो कीपिंग स्टैंडर्ड्स मेरे को लगता है कहीं ना कहीं सेविला के पास थोड़ा सा एक लोअर हैंड है, लेकिन अगर आप ओवरऑल टीम के ऊपर जज करो मिडफील्ड काफ़ी अच्छी है सेविला की यहाँ पर, और इनके पास अटैकिंग प्लेयर्स भी है। यूसुफ अल नसीर इज़ अ वेरी गुड गाय, ही हैज़ बीन डूइंग गुड 14-15 गोल्स, मैंने आपको जैसे बताया था कि उनके वर्ल्ड कप के बाद रहे हैं, तो ही हैज़ बीन इन अ डिसेंट गुड टच। बट अब देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ पर कैसा फुटबॉल खेलते हैं, इट्स वेरी वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट हु इज़ गोना विन। बट अगर आप मेरे प्रेडिक्शंस मानो तो आई वुड फील दैट दिस मैच कुड गो इनटू पेनल्टीज एंड सेविला इज़ गोना विन, और दिस मैच कैन गो इन सेविला फेवर। बिकॉज यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा बात, यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये लगता है कि सेविला जो है, सेविला हैव एक्चुअली आउट परफॉर्म बिग बिग टीम्स इन यूरोपा लीग, उनका यूरोपा के अंदर रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा एंड दे एक्चुअली ओन यूरोपा। एसी मिलान जो अपनी खुद की लीग जो वहाँ पर खेलती है वहाँ पर भी उसके पॉइंट्स कम है, अगर आप देखो तो यूरोपा के अंदर भी उनके एग्रीगेट्स बहुत कम रहे, हार्डली 1-0, 2-1 ये एग्रीगेट्स है। तो कहीं ना कहीं लड़ हार कर रोमा जो है वो उस फाइनल तक पहुँची। तो कहीं ना कहीं अगर आप बात करो तो ऑड्स आर डेफिनेटली इन फेवर ऑफ सेविला, और सेविला मेरे को लगती है यहाँ पर जीतनी चाहिए। और आप भी अपने प्रेडिक्शन दे सकते हैं वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। मैं आपको मिलूंगी वीडियो कहना, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।